गुरुजी, बिना मरने की बात चुड़ैल बन गई है और मेरी राजू का पीछा नहीं छोड़ रहा है। मैंने उसकी शादी मधु से ठीक किया है, पर वो हमें धमका रही है। अगले हफ्ते को शुभ दिन देखकर हमें उन दोनों की शादी करा देना होगा। फिर अगले हफ्ते को राजू की शादी मधु से हो जाती है। अब तुम दोनों पति पत्नी हो। आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। आज से मधु हमारे घर की बेटी है। उस रात जब राजू मधु की घूंघट उठाने गया, तब उसका होश उड़ जाता है। क्या हुआ मेरा राजू? मुझे देखकर इतना चौंक क्यों गया? मैं तो तेरी बीना हूँ। याद है ना, तूने मुझसे वादा किया था। देख, आज मैं तेरी पत्नी बन गई। अब तो हम सच में जन्म जन्म के साथी बन गए। अरे, ये कैसे हो गया? मेरी शादी तो मधु से हुआ था, फिर तुम कैसे आ गई यहाँ? क्यों, मुझे यहाँ देखकर तुझे अच्छा नहीं लगा? शादी के पहले दिन मधु पड़ोसी के घर से अपने घर लौट रही थी, तब मैं उसके सामने आ गई। वो मुझे देखकर बेहोश हो गई और फिर मैं उसके शरीर में चली गई। देखो बीना, तुम मधु को छोड़ दो, उसकी कोई गलती नहीं है। तुम अपनी बदला ले चुकी हो, अब तो तुम्हारी आत्मा को भी शांति मिल गई। ठीक है, मुझे अब तुझसे कोई शिकायत नहीं है। मैं सुबह होते ही उसके शरीर से निकल जाऊंगी। फिर सुबह होते ही बीना की आत्मा मधु के शरीर से निकल जाती है और वो दोनों खुशी खुशी रहने लगता है।